नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। किसान आंदोलन के सामने आखिरकार केंद्र सरकार झुकी और किसान बिल वापस लेने की घोषणा कर दी, जिसे अब भाजपाई अपने आप को संवेदनशील बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस सच्चाई की लड़ाई के सामने भाजपा को झुकना बता रही है। किसानों के आंदोलन में रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा से विधायक रहे सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी शामिल होकर किसानों का समर्थन किया था। रविवार को सुखेंद्र सिंह बन्ना से किसान बिल वापस लेने को लेकर हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि किसानों के सामने हिटलर शाही को झुकना पड़ा है। श्री बन्ना ने कहा कि हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी ने सदन में ही कहा था कि तीनों काले कानूनों को वापस लेना ही होगा, वापस लेने से कोई रोक नहीं सकता, और वही साबित हुआ। आपको सुनाते हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने हमारे सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा। किसानों के खिलाफ ये कानून था, हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात को सदन में बड़े ताकत से बोली थी, शायद आप लोगों ने भी इस बात को सुना हो। और उन्होंने इस बात को कहा था कि तीनों काले कानून भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को वापस करने पड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता, अब आज नहीं तो कल किसानों की जीत होगी। और वो घटना अक्षर सह दिखाई दे रही है, यह कानून उनको वापस करना पड़ा। हम तो वहाँ पर गए थे उस सिंधु बॉर्डर पर, और वहाँ जो जज्बा किसानों का हमने देखा था, तो वहाँ पे लोगों का कहना था, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे माताएं बहन, हम लोग माला घर में रख रख करके आए हैं और ये कह करके आए हैं कि अगर हमारी जीत होगी तो लौट के जाऊँगा तो ये माला हमें पहना देना, और अगर हमारी हार होती है, हम शहीद होते हैं, तो ये माला फोटो में लगा देना। ये उसी दिन हमने, मैं आकर के शायद आप लोगों से उस टाइम भी हमने चर्चा की थी, ये बात को कहा था कि किसान किसी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं और अंततः किसानों की जीत होगी। और ये भारत किसी प्रधान देश है, प्रधानमंत्री का देश नहीं है, ये कृषि प्रधान देश है। 80% किसान लोगों पर आधारित देश है, तो किसानों की जीत होना तो निश्चित ही ईश्वर भी है। और अंत में हम क्या कहें, अरे भारत की जनता जाने, यहाँ की मीडिया जाने, देश की मीडिया जाने। देश की मीडिया तुमको हिटलर शाही मानती थी, देश की मीडिया तुमको सबसे ज़्यादा ये करती थी। तो अब वो अंजना ओम कश्यप हैं उधर, अरुण गोस्वामी हैं उधर, वो सब बताएंगे कि भारत के नेता, हमारे कांग्रेस के नेता, सभी हम सब ये मांग करते हैं कि 750 किसानों की जो शहीदी हुई है उस पर नरेंद्र मोदी क्या निर्णय ले रहे हैं। अब किसान आंदोलन तो उस पर भी चर्चा करेगा, तभी किसान आंदोलन समाप्त होगा, ऐसा मैंने कहा। यूपी चुनाव के देखते हुए किसान मुद्दे वापस लिख दिया गया है। अब ये यूपी देखिए, स्वाभाविक है कि जब आदमी को समझ में आता है कि हमारी एक नुकसान होने वाली है, या हमारी पार्टी डूबने वाली है, या हमारा कुछ बड़ा नुकसान होगा, तभी तो ऐसे निर्णय होते हैं। स्वाभाविक है, तीन तीन चार चार राज्यों में चुनाव, अब बंगाल का चुनाव उन्होंने मुँह की खाई और जितने उपचुनाव हुए मुँह की खाई, उनसे आभास हुआ कि उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से चला जाएगा, इस डर के कारण वो थके, ये भी बहुत बड़ा दबाव था उनको। और स्वाभाविक है, देश में सत्ता करने के लिए ही तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक ये कानून था तो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए तो उन्होंने बनाया था, हाथ पाँव जोड़ा होगा उद्योगपतियों से कि आप लोग थोड़ी सब्र करो, किसी तरह से किसानों को चूतिया बनाने दो, लेकिन भारत का किसान जान चुका। यूपी चुनाव का रिजल्ट ऐसे भी ऐसी पहले से दिखाई दे रहा है कि कुछ करने को बचा अब नहीं है, अब तो स्थिति स्पष्ट। उपचुनाव में देखा, किसान आंदोलन सफल हुआ, घुटने पर गए नरेंद्र मोदी जी, अब आगे देखिए रिजल्ट भी। देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।